नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजीपीएससी ई ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2017 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप हमारा जो सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का प्रोग्राम है उसे आप 2800 रुपये में हमारी वेबसाइट visualcard.com पर जाकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो प्री और मेंस का कंबाइंड कोर्स है वो 4000 रुपये में visualcard.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों यह है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसे भी इस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों आज की कुछ छत्तीसगढ़ की खबरें। छत्तीसगढ़ पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती होगी, वे माओवादी इलाकों में भी तैनात होंगे। ठीक है दोस्तों, इस खबर के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस जल्द ही ट्रांसजेंडरों की भी भर्ती करेगी। कांस्टेबलों के रूप में भर्ती होने वाले इन ट्रांसजेंडरों को माओवादी इलाकों में भी तैनात किया जाएगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत पुलिस को यह कदम उठाने का निर्देश दिया है। गुरुवार को राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती का जो इनके पास विभाग है पवन देव ने, उन्होंने कहा कि अगर वे अनिवार्य लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो हम उनकी भर्ती करने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, तो पवन देव का ये कहना था। ठीक है, जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं भर्ती विभाग के। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को महिला और पुरुष के अलावा तीसरे लिंग की मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के तहत उनके भी समान मौलिक अधिकार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को यह कदम हाशिए पर पड़े इस समुदाय को मुख्य धारा की कोशिशों में लाने के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती देने का प्रस्ताव रखा गया है, वो है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के महानिदेशक हैं उनका नाम है पवन देव। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खबरें देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, तो दिल्ली के 15 जनपद में इसका जो है उद्घाटन किया गया। 2015 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तो इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सेंटर डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं और दृष्टि के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर है कि ये जो इंटरनेशनल सेंटर है डॉक्टर अंबेडकर का, वो कहाँ खोला गया है, 15 जनपद नई दिल्ली में। ठीक है, और 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसे के इनॉग्रेशन में जो शामिल हुए थे वो थे हमारे मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एक खबर देखते हैं। तो जो खेल मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने साइकॉन 2017 का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, साइकॉन 2017 के बारे में देखते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंसेस पर पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साइकॉन 2017 का उद्घाटन नई दिल्ली में युवा मामले और खेल के जो राज्य मंत्री हैं इंचार्ज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कर दिया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा कि खेल विज्ञान का योगदान उनके मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बता दूं कि भारत में स्कूल व कॉलेज के स्तर पर प्रतिभा खोजने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को तैयार किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है साइकॉन 2017, इसको वो आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और जो राज्य खेल मंत्री हैं, खेल राज्य मंत्री, उनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, ये एक ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है। सन 2004 के ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल इन्हें मिला था। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। भारत इसराइल तमिलनाडु में फूल केंद्र खोलेगा। ठीक है, तो भारत और इसराइल का एक साझा प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु में फूल का केंद्र खोल रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के थैली में फूलों की खेती में उत्कृष्टता के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए भारत और इसराइल एक साथ आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फूलों की खेती में उत्कृष्टता का जो केंद्र है उसे स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए भारत और इसराइल जो है एक साथ आ रहे हैं। पहला एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर जिसे राज्य में इसराइल की सहायता से स्थापित किया जा रहा है, आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर को उद्घाटन उसका कर दिया गया। ठीक है, 7 दिसंबर को जो है आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन कर दिया गया, और ये कहाँ किया गया है, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में। ठीक है, आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत इसराइल की मदद से जो फूलों की उत्कृष्टता के लिए केंद्र खोला जा रहा है वो कहाँ खोला जा रहा है, तो उसका उत्तर आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में।
ठीक है दोस्तों, तो यह केंद्र न केवल चयनित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कृषि पद्धतियां विकसित करेगा बल्कि यह किसानों के लिए आसपास के सर्वोत्तम अभ्यासों को भी स्थानांतरित करेगा। ठीक है, ये जो है इसकी कुछ खासियत है इस केंद्र की। ठीक है, आपको कुल मिला के ध्यान रखना है कि ये कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है तमिलनाडु की कृष्णागिरी में। ठीक है, 7 दिसंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2017, ठीक है, भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है कि जो वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2017 है भारत में पहली बार 11 से लेकर 14 दिसंबर तक। ठीक है, तो 11 से लेकर 14 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया सेंटर फाउंडेशन ICF, ठीक है, ये एक NGO है। ठीक है, NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो NGO है ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2 दशकों से कार्य कर रही है। पहली बार भारत में इस कार्यक्रम को जो है ये आयोजित कर रही है, ग्लोबल पार्टनरशिप समिट को। ठीक है, NGO का आपको नाम ध्यान रखना है, इंडिया सेंटर फाउंडेशन ICF। ठीक है, तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप समिट है उसका जो मिशन है वो ये है कि स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा और रसद ऊर्जा, पर्यटन, कला और सांस्कृतिक, कृषि, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और वित्त, शिक्षा और कौशल विकास और सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये जो है ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो बिजली के क्षेत्र में NPO को संबोधित करने के लिए सरकार ने एक पैनल स्थापित कर दिया है। ठीक है, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो भारत ने सरकार के बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त संपत्तियों की समस्या को दूर करने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, अमिताभ कांत जो है वो मुख्य कार्यकारी है नीति आयोग के। ठीक है, तो इस पर देखते हैं दोस्तों, बिजली उत्पादन में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि बैंकों के 4.73 trillion रुपए के कुल बकाया ग्रामीणों के लगभग 5.9% के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसमें 4.73 trillion रुपए जो है उसमें 5.9% जो है वो किसान जो है उसमें जिम्मेदार है। तो बुरे ऋणों द्वारा भारतीय बैंकों के लिए तथा कथित फंसी हुई बिजली परिसंपत्तियों के से भुगतान वाले मुद्दे से निपटना बहुत राहतदायक रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो है अमिताभ कांत जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई है जो बिजली क्षेत्र में NPO को संबोधित करने के लिए सरकार ने जो पैनल बैठाया है उसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अजहर HA खान तुर्कमेनिस्तान के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगले राजदूत जो है तुर्कमेनिस्तान से भारत की तरफ से वो है अजहर AH खान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के लिए श्री अजहर AH खान को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। वह वर्तमान में भारत के वाणिज्य दूतावास इस्तांबुल में काउंसिल जनरल है। ठीक है, काउंसिल जनरल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आमिर खान की जो दंगल फिल्म है उसे ऑस्ट्रेलियाई फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो दंगल मूवी को यह अवार्ड मिला है। आमिर खान की अभिनीत दंगल को 7वें ऑस्ट्रेलियाई अकादमी सिनेमा और टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नितेश तिवारी निर्देशित दंगल एक जीवनी आधारित खेल ड्रामा फिल्म है। यह दंगल फिल्म के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह फोगट परिवार के सदस्यों के जीवन से प्रेरित है। महावीर फोगट एक शौकिया पहलवान, उनकी अपनी बेटियां जो थी गीता और बबीता को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की कहानी बयां करती है। ये तो पूरा दंगल फिल्म के बारे में था, ये आपको पता होगा। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि जो दंगल फिल्म है उसे ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उत्सव में सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का जो है अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को ने कुंभ मेले को भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो कुंभ मेले में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, बहुत ही बड़ी जो संज्ञा दी है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है,
तो संयुक्त राष्ट्र निकाय के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने दक्षिण कोरिया के जेजू में अपने 12वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल कर दिया है। ठीक है, कुंभ मेले के बारे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कुंभ मेला जो है इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, जो पवित्र नदियों में पूजा और सफाई से संबंधित अनुष्ठानों के एक समन्वित सेट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 12वां सत्र हुआ है दक्षिण कोरिया जेजू में, वहां पे मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत के प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कुंभ मेले से रिलेटेड। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आप हमारी वेबसाइट visualcard.com पे CGPSC e-GYAN के पेनड्राइव कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। मैं आप सभी दोस्तों को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।